नमस्कार। आज 28 दिसंबर कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सारे देश के उस वक्त के नामवंत लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना की ताकि देश को वो आजादी दिला सके, एक लोकतंत्र एस्टेब्लिश कर सके, और उसी का ये नतीजा है कि देश को 1947 में आजादी मिली और लोकतंत्र बहाल हुआ। देश के अंदर उस वक्त कई अलग अलग राज्य थे जिनको सारों को इकट्ठा करके भारत एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में इस देश को घटना मिली, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, सर्वधर्म समभाव मिला, सभी को बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति करी और देश ने बड़े से बड़े कारखाने, उद्योग, डैम, बिजली, ये सारे जिन्हें इस देश की मंदिर कहा जाता है, ये एस्टैब्लिश हुए। महात्मा गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्र दिलाने की एक राह दिखाई और करोड़ों लोग उस स्वतंत्र की चलवल में महात्मा गांधी जी के साथ चले और तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई। महात्मा गांधी जी ने इस देश के गरीब से गरीब, पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को एक जिसे कहते एक माला में पिरोसा और एक साथ बांध करके देश को अखंडता का स्वरूप दिया और इसी अखंडता को की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस घटना पर आई, कॉन्स्टिट्यूशन पर आई। आज आप पर हम देखते हैं कि यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके वजह से ये देश की सारी पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज फंक्शन करती है, काम करती है, इस देश का न्यायपालिका काम करता है। और आज ये समय आ गया है आपके हमारे सामने कि आज इस घटना को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपने मर्जी मुताबिक मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी अपना प्राण की आहुति दे करके, बलिदान दे करके, त्याग दे करके इस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई, उतनी ही आसानी से आज सत्ता में बैठी हुई बीजेपी इस देश को कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में बेच देने का काम कर रही है। कोविड जैसी परिस्थिति में किसानों के प्रति बिल ला करके ये किसान के हक में है ये जताकर किसानों के हक को मारने का काम आज की ये केंद्र की सरकार कर रही है। और जब किसान इस मुद्दों को उठा रहे हैं तब केंद्र की सरकार ये कहती है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को इन बातों पर अपेक्षा है, आक्षेप है, अन्य पूरे देश में किसी भी किसान को आक्षेप नहीं है। आज ये सवाल उठता है क्या इस देश के आजादी के लिए पूरे देश से आवाज नहीं उठी थी? सबसे ज्यादा लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, बलिदान दिया, त्याग दिया, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने दिया। क्या उस वक्त अंग्रेजों ने यह कहा था कि इस देश को आजादी सिर्फ दो राज्य के लोगों को चाहिए, बाकी पूरे देश के लोगों को नहीं चाहिए? लोकतंत्र की यही शक्ति है और यही ताकत है कि अगर एक व्यक्ति ने भी, सिर्फ एक व्यक्ति ने भी अगर किसी कानून के खिलाफ में आवाज उठाई जिसे सरकार ने बनाया है, तो इस सरकार का फर्ज बनता है कि वो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और लोकतंत्र के इस मंदिर को आबाद रखने के लिए उस एक व्यक्ति की आवाज को भी सुने, ना कि मीडिया के माध्यम से वो आवाज झूठी है, इनकी डिमांड्स झूठी हैं और ये पूरा पॉलिटिसाइज है। जब इस देश के अंदर तमाम लोगों को, राज्यों को, आवाम को की प्रतिनिधित्व करने का काम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज करती है, तब ये केंद्र की सरकार इस बात को इस तरह कैसे कह सकती है कि ये पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। हर आदमी किसी न किसी विचारधारणा के साथ जुड़ा है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अपना अधिकार इस लोकतंत्र में खो चुका है। केंद्र की सरकार ने इस देश के किसानों की आवाज को सुनना चाहिए
और उनके मुताबिक उनको जो चीजें जिस तरह से चाहिए उस तरह से फैसला करना चाहिए, इन बिलों को वापस लेना चाहिए। आज ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से आजादी से पहले लाखों लोग रास्ते में उतर करके अंग्रेजों के खिलाफ आजादी मांग रहे थे, आज उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए किसान और देश भर से उन किसानों को मिलता हुआ समर्थन आज फिर से वो आजादी के दिन याद दिला रहा है। आज फिर से वो दिन याद दिला रहा है जब कांग्रेस ने विरोध का झंडा उठाया था और स्वतंत्र की लड़ाई में की शुरुआत की थी। आज हर कांग्रेस जन का ये फर्ज बनता है कि किसानों की इस आवाज को बुलंद करे, किसान की इस आवाज में साथ दे और उनके साथ मिलकर के किसान के हक में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम साथ मिलकर के लड़े। धन्यवाद। जय हिंद।